आज हम बात करेंगे IRI के डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में GRF और लैब असिस्टेंट की जॉब के बारे में। हम जानेंगे उसकी कितनी पोस्टें हैं, उसकी सैलरी क्या है और उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं GRF के बारे में। GRF की एक पोस्ट है और इसकी जो सैलरी है 31,000 प्लस 27% HRA, ये 2 साल मिलेगा और तीसरी साल में 35,000 प्लस 27% HRA मिलेगा। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MSc है। MSc के साथ साथ कैंडिडेट के पास नेट या गेट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लैब असिस्टेंट के बारे में। तो लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी एक ही है और इसकी जो सैलरी है वो 19,473 रुपये है। इसमें कोई HRA वगैरह नहीं मिलेगा। उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th होना चाहिए केवल, और एक्सपीरियंस है या उसके पास तो उसको वरीयता दी जाएगी। इस फॉर्म को भरने के लिए नीचे परफॉर्मा जो दे रखा है वो लिंक में भी मैं दे दूंगा। ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा को भर करके और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके और सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ एक PDF फाइल बना लेंगे। ये पूरा फॉर्म देख लें, मैं इसको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इसको इसकी आपको, और इसको भर करके, इस फॉर्म को भर के और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लगा करके, ये जो ID दे रखी है ईमेल ID गणपति मुकरी @icr.government.in, इस पर आप ईमेल कर दें। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल के बाद में ये स्क्रीन करेंगे और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनके लिए ईमेल आ जाएगी। और 11 अप्रैल को इसका इंटरव्यू फिक्स है, 10 बजे के बाद में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 11 अप्रैल को।